बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम जो काम हम कैडमी में कर रहे थे उसको फर्दर इन्हांस करेंगे। तो मैं आपको सब्लाइम टेक्स्ट खोल के दिखा देता हूँ और साथ में क्रोम पे इसका जो प्रीव्यू है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये ऑनलाइन क्लास के नाम से एक फोल्डर है, इसमें मैंने इंडेक्स पेज बनाया है जो कि बूटस्ट्रैप वगैरह से कनेक्ट है। तो इस पर एक जंबोट्रॉन की क्लास लगी हुई है और साथ में कंटेनर की एक डिव लगी हुई है। एक डिव है जिसमें कंटेनर लगा हुआ है और कंटेनर क्लास में ये पैराग्राफ वगैरह शो हो रहे हैं आप लोगों को। तो इसका ज़रा कोड भी हम देख लेते हैं और साथ में जो जो काम हमने करना है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमने खोल लिए। तो इसमें एक सिंपल सा मैंने डिव का टैग लगाया और उसमें मैंने जंबोट्रॉन की क्लास यूज़ की जिसमें एक H3 का टैग लगा हुआ और पैराग्राफ का टैग लगा हुआ और कुछ इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो नीचे एक और डिव लगाई है जिसमें क्लास जो है वो कंटेनर यूज़ की है और इसमें मैंने दो पैराग्राफ लिखे हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग मैंने देखना था क्या हमारी बूटस्ट्रैप कनेक्ट हुई है या नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और सिर्फ जंबोट्रॉन को रहने देता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ ऑनलाइन क्लास और नीचे लिख देता हूँ दिस इज आवर ऑनलाइन क्लास। और इसका नंबर है हमारा 01। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास ये क्लास जो है वो यहाँ पे हमारा एक H3 का टैग चल रहा है और साथ में पैराग्राफ का टैग चल रहा है। तो फर्दर हम इसको परसू करते हैं। तो जैसा कि पहले हम गेट बूटस्ट्रैप से और W3 स्कूल से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो दोनों वेबसाइट में खोल लेता हूँ साइड पे। और लास्ट टाइम आई थिंक कार्ड तक आपको काम करवा दिया था, लेकिन मैं जो पहले काम करवाया था उसको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगा और फिर आगे हम इसको फर्दर इन्हांसमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंपोनेंट्स को खोल लेते हैं। और इसी तरह W3 स्कूल में हम जाके लर्न बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप हमारी जो है वो 4 है। तो दोनों वेबसाइट्स को खोल लेते हैं। तो ये वेबसाइट ऑन हो गई है getbootstrap.com। तो इसमें लास्ट टाइम हमने ब्रेडक्रम्ब के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि ब्रेडक्रम्ब क्यों यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको एक प्रीव्यू भी दिखाया था GPGCS का जिसमें ब्रेडक्रम्ब यूज़ हुई थी। एक्चुअली ये देखें कि ब्रेडक्रम्ब अगर सपोज हमने होम का एक पेज बनाया और साथ में अब हमने पेज एक और बनाना है जिसका नाम सपोज हमने लाइब्रेरी रखना है, तो हम यूज़र को ये शो करवाएंगे कि आप होम से अब जब उसने लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो हम उसको ये शो करवाएंगे कि लाइब्रेरी का पेज जो है इस वक्त एक्टिव है। तो इसको काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया पेज बनाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस कर लें सेव एस। तो इस पेज का नाम हम रख सकते हैं सपोज लाइब्रेरी। तो .html पर बाय डिफॉल्ट पहले लगी हुई है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमने लगाया तो हमारे पास ये एक नया पेज बन गया। अब जो इंडेक्स पेज है इसके ऊपर हम एक एंकर टैग लगाते हैं जो कि सिंपल HTML वाला है और इसमें इसका पाथ दे देते हैं लाइब्रेरी .html और यहाँ लिख देते हैं विजिट लाइब्रेरी पेज। तो जैसे मैंने ये लिखा है तो एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं और लाइब्रेरी वाले पेज पे हम जो ऑनलाइन क्लास और यहाँ पे हम लिख देते हैं बल्कि HTML में हम लाइब्रेरी लिख देते हैं लाइब्रेरी पेज और ये एंकर टैग जो लाइब्रेरी में हमने लगाया इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको ले जाते हैं इंडेक्स वाले पेज में। तो इंडेक्स वाले पेज में एक्चुअली हमने लगाना था वो बाय मिस्टेक मेरे से ये उधर पेज हो गया। तो अब हम ज़रा पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या शो हो रहा है। तो
बूटस्ट्रैप को मैंने क्लिक किया तो लिखा है विजिट लाइब्रेरी पेज। ये एक्चुअली थोड़ा सा विजिबल नहीं नज़र आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम डिव लगाते हैं एक, और डिव के अंदर एक क्लास लगाते हैं कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम ये अपना एंकर टैग पेस्ट कर देते हैं ताकि ये मार्जिन लेफ्ट और राइट से खुद ही सेट हो जाए। तो इंडेंट कर दिया मैंने थोड़ा सा कोड, और दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया विजिट लाइब्रेरी पेज। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये अगला पेज आ गया जिसका नाम है लाइब्रेरी के पेज पे HTML क्यों शो हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी का पेज एक्चुअली सेव नहीं हुआ आई थिंक, तो दोबारा मैं इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें लाइब्रेरी पेज आ गया। तो अगर हम दोबारा फिर बैक जाएं और एंकर टैग के थ्रू लाइब्रेरी वाले पेज पे आए तो ये पेज हमें नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ये ब्रेडक्रम्ब के नीचे शो करवाना चाहता हूँ कि ये हमारा लाइब्रेरी का पेज है, तो हम क्या करेंगे, हम चुप करके यहाँ से क्लास लेंगे ब्रेडक्रम्ब वाली। तो ये मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और लाइब्रेरी वाले क्लास में हम लाइब्रेरी वाले पेज में हम ये कोड पेस्ट कर रहे हैं नेविगेशन का। तो नेविगेशन क्या करती है एक्चुअली, ये प्रॉपरली तो हम देखेंगे नेविगेशन के सेक्शन में, लेकिन अभी हम फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इसको यूज़ करना सीखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक नेव का टैग लिया तो नेव के टैग के अंदर हमने एरिया लेबल लिया। ये एरिया लेबल क्या होता है इसको भी हम बाद में देखेंगे। ब्रेड क्रम्ब है तो OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट है, उसमें हमने एक क्लास लगाई है ब्रेड क्रम्ब, तो ये ब्रेड क्रम्ब है इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। और इसमें एक लिस्ट आइटम बनाई है उसका नाम रख दिया होम, और उसके ऊपर हाइपर रेफरेंस में कुछ भी नहीं पास किया। हम यहाँ पे अगर इंडेक्स डॉट HTML पास कर दें तो इसका हमें ये बेनिफिट होगा जब भी हम होम पे क्लिक करेंगे तो वापस हम इंडेक्स वाले पेज पे आ जाएंगे। और आगे एक और क्लास है ब्रेड क्रम आइटम एक्टिव, यानी कि अभी कौन सा एक्टिव पेज है उस पेज का नाम है लाइब्रेरी, तो ये पेज एक्टिव है। तो अभी हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं, ये देखें जी हमारा, वो कह रहा है जी कि आप होम के पेज से आप किस पेज पे आ गए हैं, लाइब्रेरी वाले पे। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये हमें बैक इंडेक्स वाले पेज पे ले जाएगा। तो ये ब्रेड क्रम की क्लास का ओवरव्यू था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो भी आप क्वेश्चन होंगे आप प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा तो मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी हम इसको कमेंट करते हैं, कमेंट इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर कुछ और भी सीख सकें। तो अगर कमेंट नहीं भी करते तो हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं और हमारे बैक टू हम अपने जो हमारा इंडेक्स पेज है इसी के ऊपर दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पे हम बाकी कोड भी करते हैं। तो इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और यहाँ पे हम एक नया कोड करते हैं जिसमें हम कोई और बूटस्ट्रैप क्लास को यूज़ करेंगे। तो गेट बूटस्ट्रैप, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि W3 स्कूल से सीखें, लेकिन कुछ चीज़ें W3 स्कूल में प्रॉपर नहीं है तो वो हम किधर से सीख सकते हैं, इधर से आपका क्या इस कहते हैं गेट बूटस्ट्रैप। इसी में बटन जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाए थे तो दोबारा एक दफ़ा बटन के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये बटन लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली बटन का टैग लगाएंगे और उसमें उसकी टाइप देंगे। तो अभी ज़रा मैं लगा के आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, तो ये कोड इंडेंट कर लें प्रॉपरली ताकि पेज की लुक जो है वो बेहतर हो जाए। तो मैंने इसको सेव किया, जैसे मैंने सेव किया तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने वाले पेज को। तो सॉरी अभी हम होम वाले पेज पे नहीं है, जैसे हम होम वाले पेज पे आए थे ये देखें ये बटन लग गए हमारे। तो ये बटन जो थे इसमें हमने क्या लगाया, बटन का टैग और टाइप उसकी बटन दे दिए, और क्लास है BTN। पहले ये इंडिकेट करिए कि बटन है, और आगे इस बटन के ऊपर हमने कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना हो तो उसके लिए दूसरी क्लास लगेगी। तो BTN एक क्लास है, आगे इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, BTN प्राइमरी। BTN डैश प्राइमरी का मतलब है कि इसका कलर जो है वो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी आई थिंक तो ब्लू के लिए होता है, सेकेंडरी कलर है इस तरह सक्सेस ग्रीन के लिए होगा, डेंजर रेड के लिए होगा, वार्निंग येलो के लिए होगा, इन्फो भी आई थिंक सो कि ये ब्लू टाइप ही होता है, और लाइट ये बिल्कुल जैसे जंबोट्रॉन का कलर है वैसा आ जाएगा, और ये डार्क ये डार्क ग्रे कलर आ जाएगा। तो हम दोबारा एक दफ़ा इसको देख सकते हैं, तो ये देखें ये प्राइमरी ब्लू है और सेकेंडरी के लिए भी लाइट ग्रे है, फिर सक्सेस है, डेंजर है, और इस तरह के कलर्स हैं। तो ये तो हमारी होगी क्लास
एक्सिस या हमारे जो बटन के टैग्स हैं ये हो गए। अब ये नीचे एक और बटन होते हैं जो आउटलाइन के लिए यूज होते हैं। आउटलाइन कैसे यूज होती है ये जरा हम अभी बूटस्ट्रैप cardviews.com पे जाके देख लेते हैं कि आउटलाइन के लिए कैसे बटन यूज होते हैं। तो आउटलाइन के लिए बटन ये देखिएगा प्लीज कि ये देखें इनके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो इनके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके कलर विजिबल हो रहे हैं। तो हम इन सारे टैग्स को कॉपी करते हैं और अपने पेज में जाके रिफ्रेश अपने पेज में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने इंडेंटेशन आसानी से करनी है तो आप ये लाइन में जाके री इंडेंट कर लें। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्लास देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। पहले तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखें ज़रा ये बटन प्राइमरी सेकेंडरी इन्फो और ये लाइट का कलर इस तरह का शो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लास जो दूसरे वाली क्लास होगी उसमें होगी btn-outline-primary। ये जो आउटलाइन का काम है ना ये एक्चुअली ये वर्क कर रहा है आपकी ये इफेक्ट्स देने के लिए। तो ये दूसरा हमारा एक मेथड था बटन लगाने का। एक और होता है उसे कहते हैं ग्रुप्स। तो बटन के ग्रुप कैसे लगाते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो मैं टैब दबा के 4 spaces आ गया और यहाँ से cardviews.com पे दोबारा गए। और इनके ये साइजेस वगैरह को भी ठीक कर सकते हैं आप, जैसे वो कहता है जी कि btn प्राइमरी है और btn लार्ज, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है ये लार्ज के लिए। तो ये अगर आपने प्रॉपरली बटन btn प्राइमरी स्मॉल और ये सॉरी ये स्मॉल के अलावा ये जो ब्लॉक लेवल है मीन्स पूरे पेज के लिए होता है तो btn ब्लॉक लगा दें। तो अभी थोड़ी देर तक हम ये इनको यूज़ भी करेंगे परफेक्टली। तो इसके अलावा ये डिसेबल्ड और इन चीज़ों का भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ग्रुप वाला टैग रह गया था तो मुझे आपको ये ज़रा शो करवा लेंगे ग्रुप वाला टैग किधर है। तो बटन ग्रुप और ये नीचे एक और मेन्यू में है बटन ग्रुप में, ये देखें कि ये 3 बटन एक ही ग्रुप में लगे हुए हैं, यानी कि एक ही रो में 3 बटन लगे हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, तो इसमें सिर्फ हम एक नई डिव का इजाफा करेंगे और उसका नाम रख देंगे btn ग्रुप, ठीक है जी। और ये अभी आपने रोल और एरिया लेवल को नहीं देखना कि ये क्या चीज़ होती है, जस्ट आपने ये याद रखना है btn ग्रुप। और इस तरह से आप जो एक नई डिव बनाए उसमें btn ग्रुप उसका क्लास का नेम दें और उसके जो इन बिटवीन है डिव के इन बिटवीन वहाँ पर आपने वही पुराने वाले बटन का कोड पेस्ट कर देना। तो इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, तो होप्सो आपको इसकी भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बाकी इसकी ऊपर प्रॉपरली पढ़ भी लीजिएगा कि क्या क्या इसकी डिस्क्रिप्शंस है। तो ये बटन्स 1, 2, 3 कैसे लगाते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस और इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखते रहेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वो है हमने नेम्स याद करने हैं। तो आगे आ गया जी कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्ड के बारे में। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ये कह रही है कि अ कार्ड इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल कंटेंट कंटेनर, इट इंक्लूड्स ऑप्शंस फॉर द हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी दी हुई है आउटलाइन डिस्क्रिप्शन, उससे अच्छा है कि आप सिर्फ इस इमेज को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये ऊपर पिक्चर आती है इसको हेडर में कहेंगे और ये फुटर में इसका टाइटल आएगा और इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी और अगर आपने कोई बटन वगैरह लगाना हो तो वो भी आ सकता है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास पिक्चर नहीं है तो हम क्या करते हैं एक पिक्चर ले लेते हैं। तो इमेजेस के फोल्डर में अभी पिक्चर नहीं है तो हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ कंट्रोल एन करके इसी फोल्डर को दोबारा खोल रहा हूँ और बैकग्राउंड में जाके मैं कोई यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ। तो ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, इस पिक्चर को बल्कि काफ़ी ज़्यादा पिक्चर इसमें खूबसूरत हैं, जो कौन सा आपका दिल करे। एक ये पिक्चर मैं ले लेता हूँ, एक ये और एक ये, कि 3 pictures हमने मैंने क्या कर ली हैं, कॉपी कर ली हैं। और अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने इमेजेस के फोल्डर में और यहाँ पे जो पहला काम होता है आपको पता है कि F2 दबाएं और इसको रीनेम कर लें 1 और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG है तो 2 और इसको भी रीनेम कर लें 3। F2 इसकी शॉर्ट की है रीनेम करने की। तो अभी ज़रा हम सबलाइन में जाएंगे और देखेंगे क्या इमेजेस में हमारी इमेजेस आ गई, ये आ गई। तो अब क्या करेंगे हम, एक्चुअली अब हम इसमें अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है अपना इसमें हमने क्या करना है, मैं कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ कोड को ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप दोबारा कोड को ले लें। तो एक्चुअली
ये सारा कोड हम नीचे ले जाते हैं और अब दोबारा हम क्या करते हैं यहाँ पे कार्ड का कोड कॉपी करते हैं getbootstrap.com से। तो यहाँ पे ये कोड आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो कॉपी का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से भी कॉपी कर लेंगे तो बड़ी आसानी से ये सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, आपको सिलेक्शन भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो अभी तो ये सारा कोड ही एक दफ़ा ख़राब हो गया, तो हम लाइन में जाके रीइंटर कर लेते हैं। और अब ये कहता जी एक क्लास लगाइए कार्ड, और उसकी ये विड्थ उसने दी हुई है, ये स्टैटिक विड्थ है। तो स्टैटिक विड्थ क्या होती है ये, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे बाद में। अभी हमने पा देना है इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर में हमारी एक पिक्चर है, उसका नाम है 1.jpg। और इसके अलावा अगर एक कार्ड के अलावा अपने दो तीन कार्ड लगाने हैं तो वो अभी देखते हैं कि कैसे लगाने। तो टाइटल हमने दे दिया दिस इज इमेज, दिस इज एन इमेज इमेज और सम क्विक एग्जांपल टेक्स्ट टू बिल्ड। और ये नीचे एक उसने हाइपर रेफरेंस भी दिया हुआ है, और उसमें बटन को किया हुआ है कॉल। तो अगर हमने हाइपर रेफरेंस देना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि गो टू लाइब्रेरी पेज, या यहाँ पे कई लोग लिखते होते हैं रीड मोर, रीड मोर में हम एक पास दे देते हैं, या व्यू मोर या एक्सप्लोर द पेज, इस तरह के होते हैं। तो हम इसमें पास देते हैं library.html। तो ये क्या करेगा, ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा library.html के पेज से। इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है, मैं सेव कर लिया ऑलरेडी, कंट्रोल आर करता हूँ। तो ये देखें ज़रा, ये एक कार्ड लग गया है, अगर आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो इसके, क्योंकि मैं स्क्रीन जब रिकॉर्ड करवा रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने डायमेंशन जो है वो थोड़ी सी छोटी रखी थी, तो इस वजह से आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आएगा। तो इसका आसान सवाल क्या है, हम कंटेनर लगा दें, जैसे हम कंटेनर क्लॉक लगाएंगे वो हमें राइट और लेफ्ट से मार्जिन दे देगा खुद को। तो ये देखें जी हमें एक अच्छा सा एक कार्ड व्यू लग गया, इसे कार्ड व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइटल है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे रीड मोर है। जैसे हम रीड मोर पर क्लिक किया उसने हमें लाइब्रेरी के पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। तो अभी दोबारा इसी पेज पे आते हैं, तो ज़रा इसमें देख लेते हैं, इसमें एक क्लास मेन जो है वो कार्ड, कार्ड के अलावा कार्ड का जो इमेज है यानी कि जो हेडर में लगेगा उसकी क्लास है, इमेज के टैग में एक क्लास लगाई हुई है कार्ड डैश इमेज डैश टॉप, ठीक है। अल्टरनेटिव में अगर मतलब ये इमेज नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड इमेज, या अगर नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और इमेज अपलोड हो जाए और वहाँ पे शो हो यूज़र को। इसके अलावा ये हमारी क्लास है जिसका टॉप इमेज होता है, और इसमें कार्ड की जो बॉडी है उसमें हमने क्या क्या लगाना है, उसमें हमने एक क्लास लगानी है, ये भी एक डिव लगाई है, तो डिव में कार्ड बॉडी, और इसमें हम H5 हमने एक ली है हेडिंग के लिए, H5 का टैग लिया है। तो कार्ड डैश टाइटल ये क्लास है टाइटल के लिए, और इसके अलावा ये क्लास है कार्ड डैश टेक्स्ट, ये इसमें हम डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। और नीचे अगर हमें कुछ लगाना हो तो हम ये जैसे हाइपर रेफरेंस, और आपको शायद ये आइडिया नहीं था पहले कि हाइपर रेफरेंस में बटन लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल हम अगर क्लास बटन की लगाएंगे तो ये बटन की क्लास यहाँ पे लग जाएगी। अब इसको हम सेव करके दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक्चुअली अब हमने करना क्या है, अब हमने इसी तरह के 3-4 कार्ड लगाने हैं। तो हम इस कोड को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे प्रॉपरली, सारा कोड ही कमेंट, पहले मैंने कॉपी किया फिर मैंने इसको कमेंट कर दिया। जैसे मैंने कमेंट किया तो मैंने इस कोड को दोबारा पेस्ट कर लिया नीचे। अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली अब मैं यहाँ पे एक क्लास और लगाऊंगा डेव, और इसमें हम क्लास लगाएंगे रो, क्लास रो। तो लास्ट टाइम हमने रो के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो रो के अंदर हम क्या एक और क्लास लगाते होते हैं जिसे हम कॉलम कहते हैं। तो डेव क्लास कॉलम डैश मीडियम डैश 6-4 कर लेते हैं। तो एक हमने 3 कॉलम 12 पूरे करने थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार ये टैग लगाना पड़ेगा। तो अब एक्चुअली हमारा ये पहला हो गया कार्ड। अब हम करते क्या, अब इसको कट करते हैं और इसको पेस्ट यहाँ पे करते हैं, और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको इस डिव के इन बिटवीन भी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, एडिट में जाते हैं, लाइन में जाते हैं, और रीइंडेंट कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली कोड विजिबल हो जाए। तो इस इमेज को 1 रहने देते हैं, इस इमेज को 2 कर देते हैं, और इस इमेज को चलें इस इमेज को 3 कर देते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हमें नज़र आएँ। तो मैं सिर्फ पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें हमें 3 इमेजेस नज़र आने लगे। तो ये प्रॉपरली हमें
यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था हमारा कार्ड कार्ड का काम इस चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कार्ड के अलावा देखते हैं कि और हमने क्या क्या करना है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो एक मैं अब जो जितना भी काम होगा मैं ये लाइब्रेरी वाले पेज में करूँगा ताकि कोड ज़्यादा मैस ना हो। तो लाइब्रेरी वाले पेज में हम कैसे कोड करेंगे इसको देखते हैं। तो इससे पहले हम लाइब्रेरी वाले पेज पे मूव हुए थे। अब इस पेज पे हमने कोड क्या करना है अभी ज़रा हम getbootstrap.com से देख लेते हैं कि हमारा और जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो कौन कौन सा है। क्राउजल को भी रहने देते हैं, क्लैप्स को रहने देते हैं, ड्रॉप डाउन्स को रहने देते हैं। अब हमारा असल काम है फॉर्म्स का। तो फॉर्म्स को क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया तो फॉर्म्स जैसे HTML में आप लगाते थे तो इसमें सिर्फ तीन क्लासें यूज़ होंगी, बाकी सारा काम वही का वही है। तो ज़रा मुझे इसको स्क्रॉल कर लेने दें। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें एक ईमेल एड्रेस है और एक पासवर्ड है। तो इसका कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये हम लगा देते हैं। यहाँ पे एक डिव लगाते हैं और उसमें क्लास देते हैं कंटेनर, क्लास कंटेनर, और इस कंटेनर क्लास में हम ये कोड पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये फिर मैस हो गया कोड, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको री इंडेंट कर देते हैं। तो ये अब प्रॉपरली इंडेंट हो गया। तो इसमें एक तो अभी हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है। तो प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया तो ये हमें कोड नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये जंबोट्रॉन को ख़त्म कर दें तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी अपने कोड को, अपने जो डिज़ाइन है उसको हमने शो कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो ये हमारा एक पेज आ गया। तो इस पे ईमेल एड्रेस है और ये चेक बॉक्स वाला भी कुछ कोड किया हुआ है, एक पासवर्ड की एक डिव लगी हुई है, और ये एक्चुअली सारा काम एक फॉर्म में हो रहा है। तो पहले हम फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म कहाँ लगा। ये देखिए ये फॉर्म है, इसके अंदर सारी की सारी डिव लगी हुई है। तो ये एंड पे जो चेक बॉक्स का एक है कोड, इसको हम डल कर देते हैं। ये मैं चेक दोबारा प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस तरह का प्रीव्यू आ गया, इसमें ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है। तो इसमें क्लास क्या है, पहले आपने जब भी कोई भी एलिमेंट लगाना है फॉर्म के अंदर, पहले सपोज हमने क्या लगाना था, इनपुट बॉक्स लगाना था ईमेल के लिए, तो हमने लिखा डिव क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, ठीक है जी। तो फॉर्म डैश ग्रुप एक्चुअली बाहर वाली डिव होगी और इसके अंदर एक और डिव लगेगी, सॉरी एक बाहर वाली क्लास होगी और इसके अंदर एक और क्लास लगेगी जिसका नाम है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो ये दो क्लासेज हैं जो फॉर्म के अंदर यूज़ होती हैं। और तीसरा काम जो हमने करना है वो है हमारा सिंपल सा कि हमने कंटेनर के अंदर तीसरी ये क्लास है, तीन ही क्लासें इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहली क्लास में हमने क्या किया, कंटेनर लगाया, और दूसरी क्लास में हमने क्या किया, फॉर्म डैश ग्रुप। फॉर्म डैश ग्रुप ने क्या कर दिया, एक्चुअली ये ईमेल के लिए इतना सा कोड हुआ है। तो हमने एक लेबल लगाया जो ऊपर शो हो रहा है, ये हमारा लेबल है, ये जो ऊपर सॉरी ये वाला लेबल है, और ये हमारा इनपुट बॉक्स है, और नीचे भी हमने कुछ लेबल वगैरह या कुछ पैराग्राफ वगैरह शो करवाया हुआ। तो क्लास हमने लगाई फॉर्म डैश कंट्रोल और लेबल में हमने लिख दिया फॉर, ये इनपुट एग्जांपल इनपुट के लिए ये यूज़ नहीं होता वैसे हमने लिख दिया है। तो ये इसको भी हम फर्दर बाद में ही देखेंगे। अभी हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, लेबल के अंदर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के बाद नीचे हमने एक इनपुट का टैग लगाया और उसमें टाइप दे दिया ईमेल और क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। ये हमारी बाहर वाली क्लास थी फॉर्म डैश ग्रुप, और अंदर जो भी इनपुट के अंदर टैग के अंदर यूज़ होगी उसका नाम है फॉर्म डैश कंट्रोल। आईडी अभी अगर आपने देनी है तो दे लें, नहीं भी देनी तो कोई इशू नहीं है। इनको आईडी वगैरह को हम जेक्यूरी वगैरह में देखेंगे और एरिया कंट्रोल को भी जेक्यूरी वगैरह में देखेंगे। तो नीचे एक स्मॉल के अंदर ये स्मॉल टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे हम उसमें लिखते होते थे, एक पैराग्राफ लिखते थे, और इसी तरह इटैलिक है, बोल्ड है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक स्मॉल का टैग भी है, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें चाहिए नहीं अभी। तो इसकी भी आईडी जो है हम रिमूव कर देते हैं ताकि कोड आसान हो जाए। तो ऊपर इनपुट टाइप में ईमेल था, नीचे इनपुट टाइप में पासवर्ड। पासवर्ड से क्या होगा, वो डॉट डॉट शो हो जाएंगे, यानी कि इनक्रिप्टेड हो जाएगा या इनविजिबल कह लें टेक्स्ट हो जाएगा। तो नीचे एक हमारा बटन लगा हुआ है और इसकी टाइप सबमिट है, और इवन के यहाँ पे अब इनपुट लगा दें और
जब भी आप इनपुट लगाते हैं तो आपने HTML में एक चीज़ सीखी होगी कि इनपुट का टैग कभी भी पेयर की फॉर्म में नहीं आता, यानी कि ये सिंगुलर टैग है तो बस ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है। तो अब ये मैंने ऐसे सबमिट कर दिया है, तो सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। तो इनपुट में टाइप हमने पहले दी हुई है, तो नेम इसका ज़रूरी नहीं है देना। इसमें जो ऊपर शो करवाना है लास्ट टाइम तो साइड पे लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू में हम लिख देंगे सबमिट रिकॉर्ड, लिख देते हैं सबमिट रिकॉर्ड। तो अब ये वैल्यू जो है इस बटन के ऊपर शो हो जाएगी। ज़रा हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये सबमिट रिकॉर्ड है। तो अभी एक क्लास हमने लास्ट टाइम देखी थी btn डैश ब्लॉक, ये देखते हैं कि ये क्या करेगी। तो कंट्रोल आर किया, ये देखें ये पूरा पूरा बटन यहाँ तक उसने कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लिया। तो ये था हमारा btn ब्लॉक का कमाल या btn ब्लॉक का यूज़। तो अभी हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया है ईमेल और एक इनपुट लिया है पासवर्ड, और यहाँ पे एक बटन के लिए क्लास लगाइए सबमिट। तो ये जो क्लास है इसमें ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म डैश कंट्रोल लगाएं, लेकिन इनमें ज़रूरी है कि फॉर्म डैश कंट्रोल लगे ताकि ये प्रॉपरली शो हो सके। तो ये था हमारा फॉर्म का काम। तो आज का जो है हमारा काम इतना ही है। इंशाल्लाह आगे जो है हम इसमें इस काम को फर्दर इन्हांस करेंगे, और इसी तरह आप लोगों को मैं गाइड करता जाऊँगा। जहाँ पर भी आपको कोई इशू आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन जस्ट आस्क मी अबाउट एनीथिंग। अल्लाह हाफिज़।